हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे आप मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के बारे में कुछ बताइए, क्या फाइनल हुई या नहीं हुई, तो दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि एक बार सीबीएसई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे, देन मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के बारे में अपनी ऑफिशियल जो सर्कुलर जारी कर दिया है, और उसमें सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है कि सीबीएसई एक डिस्प्यूट सेटलमेंट जो कमेटी वो गठित कर रही है, जिसके बारे में 6 अगस्त को पूरा जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी कल 6 अगस्त को सीबीएसई जो है डिस्प्यूट कमेटी संबंधी सारी बातें जारी कर देगी, यानी कि हम कैसे इस डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी से बात कर सकते हैं, हम कैसे अपनी शिकायत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जिससे हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, क्या हमें स्कूल के पास जाना होगा अपने नंबर्स को लेके, और क्या हम डायरेक्ट कमेटी से मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों कल हमें पता चल जाएंगी 6 अगस्त को। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप सभी तक अभी देना चाहता था, क्योंकि मैं कल से ही इस पर बात कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि जो भी मैं आपको खबर देता हूँ पूरी पुख्ता जानकारी के साथ देता हूँ, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं सर्कुलर जारी हो चुका है। तो सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के जो भी छात्र छात्रा अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो कल तक का वेट करें, सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। और मेरी तरफ से आप सभी को बिग थम्स अप कि हमारी जो मांग थी धीरे धीरे हो सकता है दोस्तों पूरी हो रही है, बस इसी तरह हमारी जो हमारे साथ धोखा किया गया है वो सही कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, छात्र छात्रा मिलकर स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार देखिए, झारखंड देखिए, रांची देखिए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो जो भेदभाव किया गया उस भेदभाव के खिलाफ आप लोगों को भी खड़ा होना है, एक सही तरीके से अपने आप को एक साथ रहना है, ताकि हमें कोई कमजोर ना कर सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को प्यार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों तक खबर पहुंच सके। जो भी बच्चा निराश है कम से कम उसे एक थोड़ी सी खुशी की खबर जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।